हेलो बच्चों, मैं निमा मिश्रा वुडलैंड एकेडमी ऑफ लर्निंग से, और आज फिर मेथोडोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यू प्लीज नोट डाउन, स्टडी इट केयरफुली एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स बिगिन नाउ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पहला मेथड, जो टीचिंग मेथडोलॉजी हमने कई वीडियोस में दिया है आपको। तो आज का है खोज विधि, यानी डिस्कवरी मेथड क्या होता है। तो यह विधि इतिहास पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि है। कौन सा? डिस्कवरी मेथड। इस विधि के जनक जो है, फाउंडर जो है, वो J.S. ब्रूनर है। कौन है? J.S. ब्रूनर डिस्कवरी मेथड के फाउंडर। क्लियर? और इस विधि में, इस मेथड में होता क्या है, तो किसी भी इकाई शिक्षण विषय पर नई नई जानकारियां एकत्र करनी होती है। जो भी टॉपिक होता, जो भी यूनिट्स में दिया जाता है, उस पे बहुत सारे जो जानकारियां हैं, बहुत सारी जो नई नई खोज होता है, नई नई चीजें हैं, जो नॉलेज, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता, वो कलेक्ट करना होता है। और जो नई नई बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होगा, उससे एक नया तथ्य बनता है, जिससे बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है और वो लर्निंग अच्छा होता है। क्लियर? अब इस मेथड के भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। तो लेट्स डिस्कस सम मेरिट्स फर्स्ट। छात्रों में क्रियाशीलता आती है, जो नई नई तथ्यों को वो खोजते हैं, न्यू फैक्ट्स को जो एकत्र करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इससे क्या होता है, बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ती है, दे आर एक्टिव। सेकंड, स्वतंत्र चिंतन पैदा होता है, यानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग पावर बढ़ता है इसमें। थर्ड, अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। डिस्कवरी मेथड में जो एक्सप्रेशन का है, वो अपॉर्चुनिटी मिलता, अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। क्लियर? अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे इट्स टाइम टेकिंग, इसमें समय अधिक लगता है और एक्सपेंसिव भी है, खर्चीला भी है। क्लियर? नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या है ये? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है? तो इस विधि में जो है, स्वयं ज्ञान विधि भी इसको कहते हैं, या अनुसंधान विधि भी कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड को। इसके प्रतिपादक कौन थे, कौन इसके फाउंडर थे? H.E. Armstrong। ह्यूरिस्टिक मेथड के कौन फाउंडर थे? H.E. Armstrong। अब देखो, ये जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? मैं खोजता हूँ। इस विधि के द्वारा अध्यापक छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और छात्र जो है, वो वैज्ञानिक और गणितीय समस्याओं का हल करते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि किस सब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल होता है, किस में एप्लीकेबल होता है? तो ये मैथ्स और साइंस। और ह्यूरिस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? मैं खोजता हूँ, ग्रीक वर्ड है ये, और इसके फाउंडर कौन है? H.E. Armstrong। क्लियर? लेट्स प्रोसीड नाउ। अब ये किस सिद्धांत, किस थ्योरी पे काम करता है ह्यूरिस्टिक मेथड? तो इसमें होता है स्वयं करके सीखना का थ्योरी है ये। दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत है ये। तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत है। किस थ्योरी पे आधारित है ये? तो सबसे पहले स्वयं करके सीखना, यानी डू योरसेल्फ। दूसरा है लर्न बाय डूइंग योरसेल्फ, इसको हम कह सकते हैं। सेकंड है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी यूजफुलनेस पे बेस्ड है ये। और तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी इंडिपेंडेंस का थ्योरी इसको कह सकते हैं। अब इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे मेरिट है इसका कि शोध व खोज के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना इस विधि का मेन इसका यूजफुलनेस है। मेन इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो शोध व खोज के प्रति रुचि, यानी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जगाना डिस्कवरी के लिए। और जो शोध होता है, जिसपे हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उसके लिए। दूसरा है अंतर्दृष्टि का विकास, इससे जो होता है एक अंतर्दृष्टि, यानी जो इंट्यूशन टाइप होता है, वो ज्ञान बढ़ता है, वो स्ट्रेंथ बढ़ता है बच्चों में।
दूसरा है, तीसरा है इसका बेनिफिट कि स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है इसमें, तो सेल्फ डिपेंडेंसी भी आता है इससे। अगला है स्थायी ज्ञान मिलना, इसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है बच्चों को वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट, इससे बच्चों में साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होता है, क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। क्लियर। इट हैज सम डिमेरिट्स आल्सो, इस मेथड के कुछ डिमेरिट भी है, जैसे केवल गणित और विज्ञान विषय के लिए ही ये उपयोगी है, उपयुक्त है, प्रॉपर है। दूसरा, इट्स टाइम टेकिंग आल्सो, इसमें समय अधिक लगता है। तीसरा, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट, विधि से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, जो हम इस विधि में स्वयं करके सीखने के लिए बहुत सारी बुक्स चाहिए और इस तरह का चाहिए जो खुद समझ में आ जाए, खुद कर सके, तो इस तरह के बुक्स के भी अभाव है। क्लियर। अब दो मेथड जो है वो आगमन विधि और निगमन विधि, इसको इंडक्शन मेथड और डिडक्शन मेथड कहते हैं। तो ये दो विधि क्या है, तो सबसे पहले आगमन विधि का प्रतिपादक जो है वो फ्रांसिस बेकन और पेस्टालोजी है। आगमन विधि के फाउंडर कौन है, बेकन और पेस्टालोजी। और इस विधि में क्या होता है, तो विशिष्ट से सामान्य तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। और यह जो होता है ये उदाहरण, पहले बच्चों को उदाहरण सॉल्व करके दिखाया जाता है, फिर अनसॉल्व उसको करने के लिए दिया जाता है। क्लियर। और इस विधि से छात्रों में अपसारी चिंतन पैदा होता है, क्या क्या आगमन विधि से क्या होता है, अपसारी चिंतन पैदा होता है। और यह विधि गणित विज्ञान व्याकरण पढ़ाने के लिए अच्छी विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चे को और फिर हम उसको सिखाते हैं, जो रूल्स होता, जो नियम होता वो सिखाते हैं। क्लियर। और यह विधि नवीन पाठों को शुरू करने के लिए उपयोगी है। यह विधि प्राइमरी के लिए उपयुक्त है, प्राइमरी क्लास में जब हम बच्चों को उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं, फिर नया ज्ञान उसको दे सकते हैं, सिखाते हैं तो वो सीख जाता है। और वही है, उदाहरण के द्वारा समझाया, फिर जो नियम है, जो थ्योरी है वो समझा देते हैं बच्चे को। क्लियर। दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, तो इस विधि के जनक जो थे, सबसे पहले आगमन विधि के कौन थे जनक, तो बेकन और पेस्टालोजी, और निगमन विधि के जनक कौन है, कौन थे, अरस्तु। और इसमें क्या होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं और सिद्धांत से उदाहरण की तरफ जाते हैं। इस विधि में शिक्षक पहले सूत्र नियम बताता है और फिर उस पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, पहले सूत्र और नियम बताना, फिर उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाना और फिर जो उसे सिखाना है वह सिखाएगा। यह विधि भी रेखा गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि सिखाने में प्रयोग किया जाता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है और इस विधि के कारण यह विधि जो फॉर्मूला और फॉर्मूला जो इसमें सीखना होता है, सूत्र पहले सीखना होता है, नियम सीखना होता है, तो इसको रटने का भी गुण आता है बच्चों के अंदर। क्लियर, थैंक यू। अब अगले वीडियो में इससे आगे कुछ और मेथोडोलॉजी और फिर मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। टेक केयर।